लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। वाचन समीर गोस्वामी का है। मित्रों, कहानी का सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के निरंतर अनुरोध पर हम अपने चैनल पर शीघ्र लेकर आ रहे हैं प्रेमचंद के अलावा अन्य लेखकों की लिखी कहानियों का वाचन। इस कारण से हम अपने चैनल का नाम शीघ्र बदलकर करने जा रहे हैं कहानी सुनो.com। ये नाम सामान्यतः आपकी डिवाइस पर स्वतः ही बदल जाएगा, लेकिन यदि किसी कारणवश भविष्य में आपको हमारी कहानी मिलना बंद हो जाए तो कहानी सुनो.com को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए हमारे नए चैनल का नाम कहानी सुनो.com। तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहने का, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुईं। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन रामदुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंपर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही रामदुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंद बुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है, रेशम और मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50वीं स्त्रियां जमा हैं, मगर ये आकर्षण, ये जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वो सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है, उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। वो अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी, रामदुलारी में ये आकर्षण कहाँ से आया है इस रहस्य का पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वो आईना देखने या बनाव सिंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझें, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में ज़रूर ही होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थीं। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को, अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि रामदुलारी आज खिली है, उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो रामदुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वो है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़ों में रामदुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर रामदुलारी के घर वाले तो इतने प्रसन्न ना थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी ना था। इनके ससुर एक रियासत के मुख्तार थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से ये हुस्न बरस गया? कौन जाने गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वो स्वांग रामदुलारी को मुबारक रहे, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है।
घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हैं, बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घरवाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है, कोई कितना ही हंसे बेहया की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाएं। रामदुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई, ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजाजी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफो ये दिमाग, मानो इसका पति लाठ ही तो है। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है, आजकल ये भी गनीमत है। नहीं अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूं कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा, रामदुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा। उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए, अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपये रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है, 150 माहवार में तो उनका निज खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए, 350 बेदाग घर दे देते हैं, उनमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं, 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा, जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वो सह सकती है, इससे ज्यादा उसे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों ना मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए असह है, आत्मा का मूल अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंट में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं। रामदुलारी बहन के खिसियानीपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहां भूल रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं मगर एजेंटी बिरले ही किसी को आती है, ये तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात, अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उनका साबका पड़ता है, बड़े बड़े राजाओं रईसों का मत फेरना पड़ता है तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही न जा सके, पहुंच ही ना हो, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो जबान न खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी मगर अब तो इस सागर के मगर हैं, अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमार की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। ये कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है,
बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो ये दुर्गति। और ये घमंडेन बदतमीज बिलासनी चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1,000 मिलने लगे। 1,000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला, मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती, सारे दिन झूठ के तू मार बांधो, ये तो ठग विद्या है। रामदुलारी जोर से हंसी, बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं, अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें और प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं अयोग्य हैं अभीरु हैं वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं, नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है, इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वो अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी, समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा। यहां कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता, जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वो प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वो मन मारे बैठी रहती है, तब वो द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और जो ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था, रामदुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बारामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उससे प्रयोजन नहीं, वो तो अभागनी है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि रामदुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती होगी, चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना, मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का ये अंतिम अस्त्र भी बेकार गया। रामदुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ी रहेगी, इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी। नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी, मैं सवारी भेज दूंगी, मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया भूलकर भी याद न किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावें तो चलो, एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया।
बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों में सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो, चेहरे से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये उल्टी शिकायत? क्यों ना हो, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। रामदुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ मान भी गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने कभी विचार ही नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे, रामदुलारी बोली। मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। रामदुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, रामदुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूं भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या? मैं ऐसी दौलत को त्याज समझता हूं, और आंख किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, 1 लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात को वहीं रह जाती, आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं, और आज वो इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ ये गलती हुई,
तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूपकुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है महज खाने और कपड़े पर, ये भी जब घर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ पर रख देते और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, दूर क्यों जाते हो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। राण माड़ में ही मगन, तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूं। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं, तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। वाकबाड़ों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए तो कि वो प्रसन्न रहे। अब वो और क्या करें। रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वो समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वो भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डींग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को ये हक है कि वो उसको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए। अगर इसी तरह वो रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो। रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी मृदुभाषणी त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है, तो क्या इस कारण वो रूप कुमारी का अनादर करे। एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वो उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार में वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है, एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है, मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति हुई। वो उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक अन्यायपूर्ण दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई संन्यासनी नहीं, विरागनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद ना आता था, बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतकार था, उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हैं तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी ये तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई,
उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं, ना जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा था। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ा कर कहा, इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ ये युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भगवान निकलता है, और उसे भगवान ही क्यों कहा जाए। जहां बहुतों को दाना न मयस्सर हो, वहां थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहां बहुत से आदमी भूखों मर रहे हों, वहां दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाएं, तो ये उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद ही संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में है, किराया लूँ या ना लूँ। मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में है। अभी यूँ बहक रहे हैं, अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं, 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ करता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती हैं, मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा, 20 रुपये पर। वो बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वो खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वो चोरी से कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ, हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ, कोई छू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1,000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरीक रुपये आते हैं और बेदरीक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज करने चलिए। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, ये आपकी चरणों की भेंट है, मुझे दुआ दीजिए किसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाहवाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दी थी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुड्ढे को। इससे बड़ा कुकर्मी संसार में ना होगा। यहाँ तो लूट है, एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है,
एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1,000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वो कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दूं यहाँ कितने लोग जुआ खेल खाल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घिनावना रूप नजर आया। जिस त्याग सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दाव पैच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आए। इन दामों वो दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं, अब रामदुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला ना करेगी। वो अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे दया आई जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है? जिस समाज में दौलत पूछती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरु सेवक और रामदुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाए तो अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरुसेवक यहां बैठा बैठा क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे ना लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ, क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से? उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे ये वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया है या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के पास पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा लूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें, वाचन समीर गोस्वामी का था।